भोलेनाथ ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये जंगल के बीचों बीच हमने भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। एक और नई शुरुआत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बाहर धूप बहुत ही ज़्यादा है और मैं कुछ काम से निकला हूँ यहाँ पे। दोस्तों मैं फिलहाल जा रहा हूँ हमारे पे यहाँ पे एक ब्लॉक है मुंगिया का भी वहाँ पे और जा रहा हूँ जुम्बरी रोड। यहाँ पे देखिए जंगल के बीचों बीच से एक रोड जा रहा है, उसी से जा रहा हूँ मैं फिलहाल मुंगिया कमी। और ये वही रोड है जिसपे कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था कि जंगली हाथी के आक्रमण से एक लोगों की मौत हो गई है। तो ये वही रोड है जहाँ पे आए दिन हाथी आता रहता है और लोगों के घर और खेत नष्ट कर रहता है। तो इसी रोड से जाता हूँ फिलहाल मैं, देखता हूँ कि जंगली हाथी की दिखाई देता है कि नहीं। अगर दिखाई देता है तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो जंगल के रास्ते के थ्रू फाइनली हम लोग आके पहुँचे हैं मुंगिया कमी और यहाँ पे मेरे साथ है ओजित। और यहाँ पे रोड देखिए गाइस, बदलते हुए त्रिपुरा का आप लोगों को यहाँ पे दर्शन मिलेगा। कितना खूबसूरत रोड है जो कि नया बनाया हुआ है। और मेरे पीछे देखिए यहाँ पे पहाड़ को काट के पूरा सीधा किया है ये रास्ता। हाँ देखिए कितना ऊंचा पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया गया है। और रोड का क्वालिटी देखिए, आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप लोग त्रिपुरा में है, ऐसा लगेगा कि कुछ इंडिया के बाहर का कोई रोड है। एकदम जंगल के बीचों बीच से गुजरता है ये रास्ता। यहाँ पे देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है। ये शिलोंग नहीं है गाइस, दिस इज त्रिपुरा। जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग व्यूज देखिए गाइस। तो दोस्तों यहाँ से आगे आते आते रास्ते का खूबसूरती देखने के लिए यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं 47 माइल्स के करीब। और यहाँ पे आने के बाद कुछ बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मिला है फोटो उठाने के लिए, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर कुछ फोटो उठाने के लिए। और यहाँ पे देखिए अजीत बिजी है सेल्फी लेने के लिए। दिखाते हैं पीछे का व्यूज, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है और फोटो यहाँ पे कितना खूबसूरत। दोस्तों जंगल से आते वक्त यहाँ पे हमें एक भगवान का मंदिर दिखाई दिया है जिसमें हम लोग रुके हैं तो कुछ दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा एक एक्सपीरियंस होता है और शायद ही कभी हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे। देखिए भोले बाबा भोलेनाथ का मंदिर दर्शन करने के बाद अजीत प्रणाम करते हुए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जाते हैं आगे। आगे जाते जाते देखते हैं कि क्या कुछ दिखाई देता है, आप लोगों को दिखाएंगे, वीडियो पे बने रहेगा। तो अजीत कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस? बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया। और ये जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमेशा याद रहेगा कि जंगल के बीचों बीच हमने भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। क्यों अजीत? और यहाँ से कुछ प्रसाद भी मिला है हमको, सावन का दूसरा दिन और हमने भोलेनाथ का दर्शन किया। शायद बाबा ने मुझे हमें यहाँ पे पुकारा है इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पे आ पाए, नहीं तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम लोग घर से इतने दूर यहाँ पे आएंगे भोले बाबा के दर्शन के लिए। क्यों अजय? ठीक ठीक, ऐसा लग रहा है कि बाबा ने हम लोगों को बुलाया और खुद यहाँ पे लेके आए हैं। तो ओके भाई, वीडियो पे बने रहिए, हम लोग अभी जाते हैं आगे। ऑलरेडी टाइम हो गया है 3 बजे। एकदम भोलेनाथ का कृपा है। जय बाबा भोलेनाथ, बनाए रखिएगा। हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ।